गुजरात में बाबू भाई पटेल की सरकार चलती रही, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात थी। देश भर में चुन चुन कर गैर कांग्रेसी राज्यों को निशाना बनाया जा रहा था। मार्च 1976 में गुजरात की भी बारी आ ही गई। चिमन भाई पटेल की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और बाबू भाई की सरकार 2 वोट से गिर गई। एक बार फिर गुजरात में राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद राजनीति पर विराम नहीं लगा। दूसरी पार्टियों से छोड़ छोड़ कर नेता कांग्रेस का रुख करते रहे और 75 से कांग्रेस की संख्या 95 पहुंच गई। जल्द ही सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े कांग्रेस के पास थे और 24 दिसंबर 1976 को माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब माधव सिंह सोलंकी को ये कमान दी गई, वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने काफी, मैं कह सकता हूँ कि परिश्रम के साथ और काफी सहजता से उस स्थिति को संभाला और वे काफी सफल मुख्यमंत्री के तौर पर जाने भी गए। लेकिन वो समय ऐसा था कि कांग्रेस में जो 2 फाड़ हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई को के बनने की वजह से, उसका असर ऐसा हुआ कि फिर गुजरात में कांग्रेस की जमीन जैसे कि कमजोर होती चली गई। पर ये सरकार भी लंबी नहीं चल सकी। 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए, जनता पार्टी के झंडे तले पार्टियां जुटी और देश को विकल्प दिया। इंदिरा गांधी की जबरदस्त हार हुई, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस ने फिर भी 26 में से 10 सीटें हासिल कर ली थी। 24 मार्च को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और गुजरात में 107 दिन की माधव सिंह सोलंकी सरकार गिर गई। 11 अप्रैल 1977 को बाबू भाई पटेल एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। पर जनता मोर्चे और फिर जनता दल का गठन कांग्रेस विरोध में हुआ था और इसमें इतनी अलग अलग विचारधाराओं के दल शामिल थे कि इसकी दरारें कभी भर ही नहीं पाई। उधर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई थी। माधव सिंह सोलंकी इस बात को लेकर उत्साहित थे कि अपने सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस ने गुजरात में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था, खासकर मध्य गुजरात के इलाके में जहां क्षत्रियों की संख्या अच्छी खासी थी। उन्होंने एक नया जातिगत समीकरण तैयार किया, खाम यानी क्षत्रिय, जिस जाति से वो स्वयं आते थे, इनकी संख्या करीब 40% थी, हरिजन जो 7% थे, आदिवासी जिनकी आबादी 14% थी और मुसलमान जो 8.3% थे, यानी कुल मिलाकर 69.3%। देखिए, खाम जो है माधव सिंह सोलंकी के जरिए उसकी शुरुआत की गई और उन्होंने क्या किया कि क्षत्रिय एच मतलब हरिजन, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इन चारों का एक कॉम्बिनेशन शुरू किया और ये चारों का जो कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, तो गुजरात के इतिहास में पहली बार 149 सीट के साथ कांग्रेस जीती। उसके बाद 80 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीपी सिंह ने जब कमंडल का खेल खेला, तो शायद मुझे लगता है कि बीपी सिंह जी के भी दिमाग में वही रही होगी बात जो माधव सिंह सोलंकी ने वहां समीकरण जातिगत बनाए। 1980 के विधानसभा चुनावों में 182 में से 111 उम्मीदवार खाम से थे और इनमें से 96 ने चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही कांग्रेस को कुल 141 सीटें मिली, जनता पार्टी को 21 और नई गठित भारतीय जनता पार्टी को 9। लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने 26 में से 25 सीटें जीत ली। देश में जनता पार्टी का दौर खत्म हो चुका था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुजरात भी वापस कांग्रेस को खुले दिल से स्वीकार कर रहा था। माधव सिंह सोलंकी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने। आलाकमान उनसे बहुत खुश था, इतना खुश कि 1985 के विधानसभा चुनावों के लिए जो टिकट बंटवारे हो रहे थे उसमें उन्हें खुली छूट दे दी और इसका नतीजा नजर भी आया। कांग्रेस ने उन चुनावों में 149 सीटें जीती थी। इतनी सीटें अब तक कोई भी गुजरात में नहीं जीत पाया है।
इसके पीछे सोलंकी के 5 वर्षों में किया अच्छा काम भी था। प्रदेश भर में करीब 150 इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित हुए, गरीब परिवारों को सब्सिडाइज दर पर खाद्यान्न दिया गया, बच्चियों के लिए शिक्षा को मुफ्त किया गया, 50 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील की शुरुआत की गई। पर जिस जातीय प्रयोग ने सोलंकी को गुजरात का सबसे मजबूत नेता बनाया था, वही प्रयोग उनके पतन का कारण होने वाला था। लेकिन ये वोट बैंक ने उन्होंने को बहुत फायदा पॉलिटिकल करवाया और नुकसान भी करवाया। उनका एक एडवाइजर था, पॉलिटिकल एडवाइजर था, उन्होंने एक गलत एडवाइस दी, क्योंकि उनके खिलाफ जो एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन हुआ, तो वो एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन की वजह से उन्होंने उनको खत्म करने की कोशिश की, पुलिस फोर्स से खत्म करने की कोशिश की। खत्म हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अच्छे अपर क्लास वाले चले गए। देश में आरक्षण की आग लगी हुई थी, गुजरात भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ की कठिनाई बाकी देश से ज्यादा जटिल थी। 1985 के चुनाव से 2 महीने पहले सोलंकी ने पिछड़े वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान कर दिया था, जबकि इसकी कोई मांग भी नहीं थी। गुस्सा वैसे ही सुलग रहा था। मुश्किल ये थी कि गुजरात में एक और जातीय हिंसा भड़की तो सांप्रदायिक दंगे भी होने लगे। फरवरी से अगस्त के बीच 662 जातीय संघर्ष की घटनाएं और 743 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई। सोलंकी पर जातिवाद के आरोप पहले ही लग रहे थे, अब ये भी प्रहार होने लगा कि उनकी सरकार दंगे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। केंद्र पर दबाव बढ़ा और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले गुजरात के पहले मुख्यमंत्री को 118 दिनों के सबसे छोटे कार्यकाल में ही पद छोड़ना पड़ा और वो दिल्ली तलब कर लिए गए।